हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास फिफ्थ। इफ यू आर वॉचिंग वीडियो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। ये स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 3 विच नेम इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स and also exercise of this lesson. But today we are going to start lesson number 4, which name is the word of plants. बच्चों, the word of plants mean पौधों का संसार। ठीक है, तो आज हम पौधों के बारे में, पौधों का क्या संसार है, एक उनके बारे में जानेंगे किस तरह से एक पौधा उगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन किड। बच्चों, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, यानी यह एक जन्म देने की प्रक्रिया है टू यंग वंस, एक नए पौधे को, ऑफ देयर ओन किड, अपने प्रकार के। ठीक है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। तो बच्चों, जो प्लांट हैं वह प्रजनन करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। नंबर 1, थ्रू सीड्स, बीज के द्वारा, थ्रू स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स और वानस्पतिक भागों के द्वारा। ठीक है, तो इन तीन प्रकारों से पौधे प्रजनन करते हैं। जैसे यहां पर सीड्स का हाइडिंग है, तो सीड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सीड मीन्स होते हैं बच्चों बीज। तो बच्चों, फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स मीन्स पौधे, डेवलप मीन्स परिवर्तित होते हैं इनटू फ्रूट्स, फलों में। तो बच्चे, जो पौधे होते हैं वह फलों में परिवर्तित होते हैं। सीड्स आर यूजुअली फाउंड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स मीन्स बीज आर यूजली, यानी अक्सर फाउंड पाए जाते हैं इन साइड द फ्रूट, फल के अंदर, यानी बीज अक्सर फल के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पपाया है, तो पपाया के सीड्स यहां पर दिखाए गए हैं। तो जो पपाया के सीड्स होते हैं वो पपाया के अंदर होते हैं, आपने खाया भी होगा पपाया। उसके बाद सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। सम माने कुछ, फ्रूट्स मीन्स फल, हैव ओनली वन सीड यानी कुछ फलों में केवल एक ही बीज होता है। सम में है फ्यू सीड्स और कुछ में एक से ज्यादा बीज हो सकते हैं। सम है मैनी सीड्स और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन सीड्स फेल ऑन द सोइल। न्यू प्लांट, नया पौधा ग्रो उगता है व्हेन सीड्स फेल ऑन द सोइल, जब बीज मिट्टी में गिरते हैं। तो बच्चे, जब मिट्टी पर बीज गिरते हैं तो एक नया पौधा निकलकर आता है। अब आता है बच्चों स्पोर्ट्स। अब बच्चों, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, बताया था बीजाणु। जैसे सम प्लांट्स लाइक फर्म एंड मोसेस डू नॉट बियर फ्लावर्स। तो बच्चों, सम प्लांट्स, कुछ पौधे लाइक फर्म्स एंड मोसेस, जो फर्न और मोसेस, मसीज काई होती है, डो नॉट बियर फ्लावर्स, यानी इनमें फ्लावर नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं। सो दे डू नॉट हैव सीड्स, इसलिए इनमें बीज नहीं होते हैं। दे ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो बच्चों, दे ग्रो, ये उगते हैं न्यू प्लांट्स, नए पौधों में, फ्रॉम स्पोर्ट्स, किससे, बीजाणुओं से। अब आता है बच्चों बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट्स लाइक रूट, स्टीम और लीफ। तो बच्चों, सम प्लांट्स, कुछ पौधे ग्रो उगते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स, जैसे जो पौधे का, जो पौधे की बॉडी होती है, जो पौधे का शरीर होता है, उसके भागों से उगते हैं ऑफ द मदर प्लांट, यानी मदर प्लांट से, लाइक रूट। जैसे मदर प्लांट क्या होते हैं,
यानी जिन पेड़ों के द्वारा वह उगते हैं उनको हम मदर प्लांट कहते हैं, लाइक रूट जैसे जड़े होती हैं, ठीक है, स्टीम तने और लीफ और पत्तियां। तो बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मदर प्लांट्स से उत्पन्न होते हैं, जैसे जड़े हुई, कुछ पौधे हमारे जड़ों से निकलते हैं स्टीम, कुछ तनों से निकलते हैं और लीव और कुछ पत्तियों पर आते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बच्चों इस प्रकार का जो प्रजनन होता है इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी इस प्रकार का प्रोडक्शन वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन। जैसे वरायोफिलम प्लांट ग्रो फ्रॉम द लीफ ऑफ द मदर प्लांट। तो जो वरायोसाइलम प्लांट होता है वह मदर प्लांट की पत्तियों से उत्पन्न होता है। प्लांट्स लाइक रोज एंड मनी प्लांट। तो बच्चे जो पौधे लाइक रोज एंड मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट और गुलाब की तरह ग्रो फ्रॉम द स्टीम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट। तो बच्चों यह जो पौधे होते हैं यह मदर प्लांट की, जो मदर प्लांट के तने होते हैं उनको काटकर उगाए जाते हैं। वरायोसाइलम प्लांट ग्रोज फ्रॉम द लीव्स ऑफ द मदर प्लांट। तो जो वरायोसाइलम प्लांट होता है, जो वरायोसाइलम का पौधा होता है वह मदर प्लांट की पत्तियों से उगता है। कहां से उगता है? मदर प्लांट की पत्तियों से। कैरेट एंड रेड इज प्लांट ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मदर प्लांट। तो बच्चों कैरेट एंड रेड इज, तो जो कैरेट यानी गाजर और मूली के जो पौधे होते हैं ग्रोज उगते हैं फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से ऑफ द मदर प्लांट, यानी जो मदर प्लांट उनके जो जड़ें होती हैं मदर प्लांट की उनसे वह उगते हैं। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, यानी यहां पर दिखाई गई है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, एक बीज की स्ट्रक्चर। यहां पर ये स्ट्रक्चर है बच्चों बीज की, ठीक है। अब बच्चों क्या क्या होता है इसमें देखेंगे। ए सीड हैज ए सीड कोट व्हिच इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो बच्चों ए सीड हैज सीड कोट, तो एक सीड का क्या होता है, एक सीड कोट होता है यानी बाह्य आवरण कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक बीज का एक बाह्य आवरण होता है विच इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो बच्चों उसको बाहर से कवर करता है। कहां से कवर करता है? बाहर से, ठीक है। आपने देखा होगा कि बीज के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बिलो द सीड कोट आर प्रेजेंट टू सीड लीव्स और कोटिलिडन्स। तो जो सीड कोट के नीचे यानी जो उसका आवरण होता है ऊपरी आवरण, उसके नीचे आर प्रेजेंट टू सीड लीव्स, यानी दो सीड लीव्स होती हैं और कोटिलिडन या जिसे हम बीज पत्र कह सकते हैं, दीज कोटिलिडन स्टोर फूड फॉर द बॉडी प्लांट। तो ये बीज पत्र स्टोर में इकट्ठा करते हैं क्या, फूड को, फॉर द बॉडी प्लांट्स के लिए। बिटवीन द सीड लीव्स ग्रोज द बेबी प्लांट। तो बच्चों इसके बीच में सीड लीव्स होती हैं, सीड की पत्तियां होती हैं, ग्रोज मीन्स वह उगती हैं, द बेबी प्लांट्स एक छोटे पौधे के रूप में, इट हैज अ बेबी रूट, इसकी एक छोटी क्या होती है, छोटी जड़ होती है, एंड बेबी सूट और एक छोटी शाखा होती है, इट इज कॉल्ड द एम्ब्रो, और यह एम्ब्रो कहलाती है या इसको हम भ्रूण कहते हैं हिंदी में, क्या कहलाती है, यह भ्रूण कहलाता है। व्हाट डू सीड नीड टू ग्रो। तो जो अब आता है कि व्हाट डू सीड नीड टू ग्रो, यानी बीजों को उगने के लिए क्या आवश्यकता होती है। जैसे
The process by which a seed grows into a seedling is called germination. Means the process prakriya by which a seed grow, जिसके द्वारा एक पौधा उगता है, into a seedling, एक seedling से is called germination. इसे हम अंकुरण कहते हैं. क्या कहते हैं? अंकुरण. When seeds get enough water, जब पौधे को पर्याप्त पानी प्राप्त होता है, एयर हवा प्राप्त होती है एंड वार्म गर्मी प्राप्त होती है, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वे नए पौधों में उगते हैं, नए पौधों में विकास करते हैं. वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोर, और जो वाटर होता है बच्चों, वह उसके ऊपरी आवरण को सॉफ्ट करने में मदद करता है. इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बेबी प्लांट. तो बच्चों इट ऑल्सो चेंज, और यह भी चेंज होता है द फूड स्टोर, यानी जो फूड स्टोर होता है इन द सीड, कहां बीज में, इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म, यानी घुलनशील आकार में, सो दैट जिससे कि इट कैन बी यूज्ड बाय द वे प्लांट, जिससे इसको वे प्लांट के लिए प्रयोग किया जाता है. एयर इज एसेंशियल फॉर द प्लांट, और हवा एसेंशियल मीन्स आवश्यक है फॉर द प्लांट, पौधे के लिए. एज दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेथ, और उन्हें बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए. सनलाइट गिव्स वार्म्थ, और जो सनलाइट होती है बच्चों, सूर्य का प्रकाश होता है, गिव्स वार्म्थ, वह उसको गर्मी देता है इसको प्लांट को, एंड हेल्प्स इट टू ग्रो, और इसको उगने में सहायता करता है. तो बच्चों आज हमने आपको यहां तक कम्प्लीट कराया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिगर भी दी गई है, यहाँ पर किस तरह से पौधे का विकास होता है, कैसे एक बेबी सीड, यानी कैसे एक बेबी प्लांट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसकी यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, एक सीड का अंकुरण किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर दिखा रखा है. तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.